हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है अल्कम लैबोरेटरीज। आप उसका वेबसाइट में जाके उसका डिटेल देख सकते हैं। ये बहुत सारा कंट्री में उसका प्रेजेंस है और इंडिया में भी उसका अच्छा खासा बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। तो ये फार्मा बेस एक कंपनी है। अब उसका चार्ट पे चलते हैं। ये उसका चार्ट है डेली बेसिस में चार्ट। अभी एक 3000 के आसपास एक लो लगाया था, आप इसको ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हैं, जो 3000 के आसपास लगा है और 3000 को सपोर्ट लेके एक 3200 के आसपास अभी सपोर्ट ले रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3200 से ऊपर तक एक बार जाएगा, लेकिन वीकली चार्ट एक बार थोड़ा बेरिश है, लेकिन मंथली पूरा फुल बुलिश है। आप डे वाइज देखेंगे तो 3200 के आसपास एक बार सपोर्ट लेने का जैसा लग रहा है। ये 3200 से ऊपर अगर रहेगा, मैं उसको सोच रहा हूँ, मैं एक बार 3000 के आसपास एक बार लिया था, फिर बाद में लगा मुझे ये चलेगा नहीं, फिर थोड़ा क्वांटिटी कम कर दिया था। अभी है तो बहुत थोड़ा छोटा सा क्वांटिटी है। अब देखता हूँ इसमें 3200 से ऊपर अगर वो स्टेबल होके रहेगा तो मैं इसको ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये दोबारा राउंडिंग जैसा बॉटम होके दोबारा लाइफ टाइम हाई 4000 के आसपास टच करने वाला है। आप लोग भी इसको स्टडी कर सकते हैं, चार्ट को देख सकते हैं, आपके हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए दिया और मैं जो ले रहा हूँ उसी को आपके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग जैसा मैं इसको लेना की कोशिश करूंगा। देखते हैं उसका अगर चार्ट या डाउन मार्केट मार्केट अगर ज़्यादा डाउन रहा, आज तो ठीक ठाक रहा, मार्केट अगर ज़्यादा डाउन रहा तो ये भी गिर सकता है, अगर नहीं रहा तो यहाँ से वो ऊपर की तरफ चल सकता है। आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे जो भी मुझे ऐसा मिलेगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। तो थैंक यू। और आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक में अकाउंट खोलने का लिंक होगा, आप जाके उसको यूज करके खोल सकते हैं। धन्यवाद।